बहुत बढ़िया। आपण मगाशीच ऐकलेलं आहे की रघुनाथ फणसे काका आणि एम डी चौधरी काका या दोघांनीही स्वरांजलीची निर्मिती केलेली होती। या दोघाही तरण्याबाण युवकांच्या खांद्यावरती स्वरांजलीची मोठ आपण त्यांच्या खांद्यावरती विसावलेली आहे। यामधले दुसरे कलाकार म्हणजे एम डी चौधरी काका। हार्मोनिका अर्थात माउथ ऑर्गनवरती विविध गाणी पेश करण्यात त्यांचा हातखंडा आहे। ते स्वरांजलीचे खंदेवीर आहेत। या वाद्यामधला दमसास, फुफ्फुसांची ताकद याही वयामध्ये अजूनही टिकून आहे। या स्वरांजलीच्या अंतर्गत डोहाळ जेवण, बारसं, लग्न, मुंज, वाढदिवस असे अनेक कार्यक्रम आम्ही सादर करीत असतो। आणि आत्ताच ज्यांच्या आवाजामध्ये आपण लतादिदींनी गायलेलं गाणं ऐकलं त्याच आवाजामध्ये अनेक मंगलाष्टकंसुद्धा आपणाला ऐकायला मिळतात। तब्बल 2 महिने एका वर्षी 2 महिन्यांसाठी ते मंगलाष्टकांसाठी त्या प्रसिद्ध होत्या। आणि आता परत एकदा आपण वळतो आहोत आपल्या कार्यक्रमाकडे। पंजाब के अमृतसर जिले में जन्मा हुआ 24 दिसंबर 1924 में जन्मा हुआ एक लड़का, एक फकीर की नकल करता हुआ एक बच्चा आगे चलकर संगीत की विधिवत शिक्षा पाकर मोहम्मद रफ़ी नाम से जगत में मशहूर हो गया। 1944 में बम्बई आकर अपना नसीब खोजने वाले रफ़ी जी ने बहुत से तरह तरह के गाने गाकर अब हम सबका मन मोह लिया है। इनका इंतकाल 31 जुलाई 1980 में हुआ था। इन्हीं रफ़ी साहब ने गाया हुआ एक गाना आपके सामने मुखातिब हो रहा है। फिल्म है लव इन टोक्यो। आपके सामने मैं निमंत्रित करना चाहती हूँ प्रकाश जी को। आ जा रे आ जरा।